कभी सुना है ऑब्सिडियन ब्लेड के बारे में कि ऑब्सिडियन ब्लेड क्या है, किस तरह बनता है और क्या क्या काम करता है? नहीं ना, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑब्सिडियन ब्लेड क्या है। ऑब्सिडियन ब्लेड दरअसल एक प्रकार का ज्वालामुखी ग्लास है जो पारंपरिक स्टील की तुलना में बहुत ही बारीक ब्लेड की तरह काम करता है और ये उन प्रयोगों के लिए बिल्कुल आदर्श माना जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा बारीक काटने की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि क्या ऑब्सिडियन ब्लेड इतने मजबूत होते हैं कि जहां एक नॉर्मल ब्लेड नहीं काट सकता वहां तक भी ये काट लेते हैं। बात करें इसकी मजबूती की तो ये काफी नाजुक होते हैं और थोड़े से भंगुर होते हैं, इसलिए रसोई के उबड़ खाबड़ माहौल में ये काम के लिए एक अच्छी पसंद नहीं है, खासकर जहां पर किसी कठोर चीज को काटना हो, क्योंकि ऑब्सिडियन ब्लेड विशेष रूप से कठोर नहीं है, यह बस बहुत तेज होने में ही सक्षम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना नुकीला है तो क्या इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? आइए जानते हैं। दरअसल ऑब्सिडियन के छोटे चाकू बनाए और उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ऑब्सिडियन की एक पतली और लंबी तलवार जल्दी ही टूटकर बिखर जाती है, जिससे पता लगता है कि ऑब्सिडियन का धारदार और तेज तर्रार होने के कारण भी इसका ज्यादा लंबे समय तक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि ऑब्सिडियन जो इतना खास और इतना स्पेशल है ये मिल कहां कहां सकता है। ऑब्सिडियन जो ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑब्सिडियन को माउंट वेस्ट, साउथ वेस्ट, कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन राज्य के समीप ढूंढा जा सकता है। अब जानते हैं कि ऑब्सिडियन बनता कैसे है। ऑब्सिडियन तब बनता है जब लावा तेजी से ठंडा होता है और बिना क्रिस्टल के ही जम जाता है। यह आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जैसे अमेरिका और आइसलैंड। एक तरफ कहा जाता है कि ऑब्सिडियन इतना मजबूत है जो हड्डी तक को भी काट सकता है और दूसरी ओर कहते हैं कि ऑब्सिडियन ब्लेड काफी नाजुक है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। दरअसल ऑब्सिडियन एक भंगुर की तरह होता है जिसे कभी तराशा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी यह टूटता है तो इसका किनारा किसी सर्जिकल स्टील से भी अधिक तेज हो सकता है। हालांकि यह आसानी से ही टूट जाता है, लेकिन ब्लेड के रूप में इसके गुण और चमकदार काले रंग के कारण इसका पाषाण युग के अंत तक बहुत ज्यादा महत्व था। और रही बात इसकी मजबूती की, तो ऑब्सिडियन ब्लेड एक नेचुरली पाया जाने वाला कांच है जो संगमरमर तथा हड्डी को भी आसानी से काट सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ऑब्सिडियन के बारे में जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।